फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ शर्ट की कटिंग के लिए। आइए मैं आज आपको फिर उसी शर्ट की कटिंग बताने वाला हूँ जो आपने पहले मुझे लाइक किया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तो आइए आज मुझे फिर आप लाइक करें, देखें, ओपन करें और ये आज मैं आपको शर्ट की कटिंग बताने वाला हूँ। इसकी लेंथ है 40 और हमने टेप को रख लिया और ये 40 को हमने निशान में ले लिया। उसके बाद इसका कंधा बनेगा 8 पे और इसकी कमर बनेगी 15 पर और इसकी हिप बनेगी 24 पर। और ये अपने लाइन लगानी है, ये कंधे वाली लाइन आ गई और इसके बाद ये आ गई कमर वाली लाइन और उसके बाद ये हिप्स वाली लाइन। और अब हमने साइज को कोट करना है और इसका तीरा है, इसका शोल्डर जिसे हम कहते हैं, इसका है 14 पर और इसी को फिर हमने 14 को नीचे ले लेना है। और इसकी चेस्ट है 20 है और उसके बाद इसकी कमर आ गई 18 पर और इसके आगे हिप्स आ गई 21.5 पर आ गई और इसका दामन आ गया 23 पर। तो इसको आपने ये कंधे का निशान लगाना है ये वाला, इसके बाद करीब हो गई, उसके बाद ये हो गया। आपने जब हमने ऊपर से छोड़ दिया और ये मेरे हाथ की तरफ आप देखें, इसको मैं निशान लगा रहा हूँ गौर से, क्योंकि आपको आसानी तरीके से मैं बता रहा हूँ, कोई इसमें इतनी उलझन नहीं है। तो गौर के साथ आपने देखना, ये आ गया कमर का निशान लग गया और फिर आपने ले ली सैड पट्टी और इस पोशाक पे आपने निशान लगा लिया। इसके बाद ये आपके पास है और यहाँ से लेकर हिप से लेकर कमर तक आपने रख लिया और ये निशान आपकी बन गई सैड कमर। और इसको आप गौर से देख लें इन मार्कों को और चेक करें कि इसी तरह आसानी तरीके के साथ आप वीडियो बना सकते हैं। थैंक यू, आई लव यू।